राजभवन के समक्ष पिछले चार दिनों से अप्रेंटिस प्रशिक्षु धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए। अप्रेंटिस जो प्रशिक्षु है, एक साल से माइनिंग सीसीएल में अपना योगदान दिए और कुछ दिनों पहले इन्हें निकाल दिया गया। प्रशिक्षुओं का कहना है कि हम कहीं यहाँ के सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया जाता है और कहा जाता है इस सर्टिफिकेट का सिर्फ सीसीएल में काम है, हम रेलवे चाहें किसी भी कंपनी में कैसे काम दे सकते हैं। आइए सुनते हैं अप्रेंटिस प्रशिक्षु क्या कहते हैं। अगर अब तक झारखंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सर अभी कोई अधिकारी यहाँ पर आए नहीं, ना इधर देखने आए हैं, तो खिड़की के बाहर से देखते हैं कि लड़के लोग हैं कि चले गए हैं। तो उनको हम लोग बोल दिए हैं कि हम लोग जब तक ले ये सातवां दिन तक चलेगा, शनिवार तक इसका अंतिम दिन है, उतना दिन हम लोग जोरदार प्रदर्शन दर्ज कराएंगे और सातवां दिन उसका गेट में जाएंगे, गेट में भी ताला मारने का काम करेंगे। जब तक ये हमारा मांग पूरा नहीं होगा ना हम यहाँ से उठेंगे ना हटेंगे। और इनका सामने तो डीजे बजा देते हैं साउंड दबाने की, हमारी आवाज़ दबाने के लिए, तो ये सब हमारी आवाज़ अब दबाना नहीं है। हम लोग को मन में ठान लिए हैं यहाँ आए हैं तो नौकरी लेकर जाएंगे, और जब तक ये हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे और जोरदार ढंग से करेंगे। और इसमें और लड़के लोग आ रहे हैं और शनिवार को इसका समापन होगा, उसका गेट में ताला लग के। आप लोग को अप्रेंटिस द्वारा क्या किस डिपार्टमेंट में काम करते, क्या क्या वर्क था वहाँ का? सर वहाँ पर काफ़ी कठिन वर्क था, माइंस के अंदर में बहुत सारी कठिनाई थी। हमारे यहाँ तो एक एक्सीडेंट भी हुई थी तो उसमें तो बाल बाल बच गए। यहाँ पर यहाँ तक कि मतलब लापरवाही की कोई सीमा इसने नहीं रखा, इतना लापरवाही किया हम लोगों के साथ। दुर्व्यवहार तो होती थी, जो मन से काम ले लेती थी, ट्रेड के हिसाब से काम नहीं था। वहाँ पर काम है और करवाती थी सीढ़ी ढोने का, तो मतलब सभी तरह का पोल चढ़ने से लेकर सीढ़ी ढोने का, मतलब उसमें काम का कोई कैटेगरिया नहीं था। लेकिन हम लोग कभी नहीं मना किया कि ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता था कि चलिए एक साल हो जाएगा मेरा, किसी तरह कष्ट झेल लेंगे तो हम लोग का आने का भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन आज हमको एक सर्टिफिकेट के सिवाय कुछ नहीं देना चाह रही है, हमें पर रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। आपके झारखंड में सबसे बड़ा नियोक्ता होने के बावजूद ये सीसीएल अगर हमें रोज़गार नहीं दे सकती तो हमको नहीं लग रहा झारखंड में हमको कहीं रोज़गार मिलेगा। इसके यहाँ हमारे जो भी ट्रेड है हज़ारों की संख्या में पद खाली है और हज़ारों की संख्या में हम लोग लड़के भी नहीं हैं। हम लोग पहला बैच है, दूसरा बैच अभी करिए रही है, तो दोनों का अगर बैच कभी मिला देंगे तो अभी 14-15 सौ लड़के हो रहे हैं। तो क्या इतना बड़ा कंपनी 14-15 सौ लड़के को रोज़गार नहीं दे सकती? ये हंसने की तरह की है कि नहीं बात? आप लोग भी इस आवाज़ को उठाइए, मीडिया के आप चौथे स्तंभ हैं, और उनसे सवाल पूछिए प्रबंधन से कि आप लड़कों को इस तरह रोड में छोड़ दिए हैं, ये कहाँ तक न्याय संगीत है? और बूढ़ों को बुला रहे हैं जो रिटायर होने के बाद जिनको लाख करोड़ों रुपया मिल गया और घर में आराम से रहना चाहिए था, उनको प्रलोभन दे रहा है भाई आधा पेमेंट लो आप फिर आओ। जब आपके पास मैन पावर की कमी है तब ना हम उनको बुला रहे हैं। आइए 6,000 में हम लोग को ले रहे हैं, 6,000 में चलो गया, बेच बाय बेच बन रहा है, उसको वर्कर मिल जा रहा है, नया लड़का जोश में जा रहा है कि सीसीएल में हम अपेंडिस किए हैं कर रहे हैं, हमको सीसीएल रोज़गार दे देगा। लेकिन एक साल के बाद वही पीछे से लात के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। सर हम राजकिशोर सिंह, सीसीएल अपेंडिस संघ का अध्यक्ष। हाँ, आप लोग को आपको किस तरह का ट्रेनिंग दिया गया, क्या ट्रेनिंग दिया गया? सर हम लोग ITI किए हुए थे, अप्रेंटिस का वैकेंसी निकला, अब विभिन्न ट्रेडों से सर, कोई फिटर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई MMB है, वेल्डर है, तो जिस ट्रेड से संबंधित है ना सर वही वर्क किया गया। कोई फिटर है तो बड़ी बड़ी खदानों में मशीनें होती हैं,
उसको मतलब फिटिंग का काम किया जाता है, असेंबल डिसेंबल ये सब काम किया जाता है, बिना सेफ्टी के हम लोग किए सर। कोई इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लोग को अंडरग्राउंड माइंस में लाइन कैसे ले जाया जाता, मोटा मोटा केबल डवाया गया सर इलेक्ट्रीशियन को, वेल्डर को वेल्डिंग कराया गया सर बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट के सर, और जो MMB है वाहन में रिपेयर का काम कराया गया सर, सभी ट्रेड का सभी संबंधित खदानों में काम किया गया सर, और सभी हम लोगों ने 12-12, 14-14 घंटा तक काम किया सर, और काम करके हम लोग एकदम निपुण हो चुके हैं सर, कुशल हो चुके हैं, स्किल्ड हो चुके हैं सर। और अब जो मैनेजमेंट के पास जाते हैं काम मांगने के लिए कि हम लोगों को पूरा हो गया ट्रेनिंग सर, हम लोगों को रोजगार पर रखा जाए, नियमित किया जाए, तो मैनेजमेंट का कहना है कि आप लोग का ट्रेनिंग कम्प्लीट, मेरी जिम्मेवारी कम्प्लीट, आप लोग दूसरे जगह काम ढूंढिए। अब हम लोग दूसरे जगह काम ढूंढने जाते हैं सर, बहुत जगह हम लोगों ने ट्राई किया, दूसरी कंपनी जितनी भी है प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबका यही कहना है कि कोल अप्रेंटिस का वैलिड सिर्फ कोल बराबर ही है, मेरे यहाँ ही कचरा है। जो हम लोग तो अपने खुद अप्रेंटिस सिखाते हैं तो अपना वर्क सिखाते हैं, जो सेल है तो सेल लोहा लकड़ का काम सिखाता है सर, रेल है तो इंजन का काम सिखाता है सर, आप मेरे यहाँ किस काम के, आपका स्किल तो वेस्ट है मेरे यहाँ, आपका स्किल्ड वहीं काम आ सकता है कोल सेक्टर में ही सर, तो हमारा तो कोल सेक्टर ही के पास आए हैं और यही एक रास्ता बच गया सर, और कहीं मेरे लिए सर्टिफिकेट का वैल्यू कचड़ा है सर, इसलिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं सर, या तो रोजगार लेंगे या तो हम लोग यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन यहाँ हटने वाले नहीं है बिना रोजगार लिए सर, हम लोगों का सबका यही डिमांड है सर एकदम, या तो रोजगार दो या तो मौत दो, मैनेजमेंट का यही कहना। आज हमारा धरना का चौथा दिन है सर, लेकिन ये निर्दयी मैनेजमेंट झांकने तक नहीं आया सर, इतनी ठंडी में कुकड़ के हम लोग रहते हैं सर, लेकिन झांकने तक नहीं आया, किस लिए तुम लोग है और क्या बात है, इतना निर्दयी मैनेजमेंट, कान में करुआ तेल देकर सुतल है सर। तो वही हम लोगों का डिमांड है, कि डिमांड है अप्रेंटिस को कोल सेक्टर में नियमित करो, ऐसा नहीं है कि इस पर पोस्ट खाली नहीं है, ये वैकेंसी नहीं, बहुत सारा पोस्ट है सर, हजारों की संख्या में रिटायर हो रहे हैं हर साल हर माइंस में, लेकिन इन लोग क्या कर रहा है, तो इन लोग आउटसोर्सिंग से काम करवा रहा है, ठेका पर दे रहा है, सब ठेकेदारी अफसरशाही चल रहा है सर, और एक और स्कीम निकाला, बूढ़ों लोग को रख रहा है, जो रिटायर कर गया है उसको रख रहा है, कि अभी 5 साल का एक्सटेंशन देते हैं उसको रख रहा है, तो क्या बूढ़ों से भी हम लोग गए गुजरे हो गए सर, वही हम लोगों को एक ही नारा है, एक ही डिमांड है, हम लोगों को नियमित करो, कॉल अप्रेंटिस को नियमित करो, नहीं तो मौत दो, बस यही हमारा कहना। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, अप्रेंटिस संघ के सचिव। सरकार स्किल इंडिया की बात करती है, आप लोग यहाँ स्किल पाए, क्या बेनिफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं सर, ये बस बोलने और सुनने तक को अच्छा लगता है कि स्किल इंडिया, क्या स्किल इंडिया, स्किल करने के बावजूद हम लोगों का ये हाल है, तो जो अनस्किल्ड है उसका क्या हाल होगा, पूरा सब कोई जान रहा है। हम लोग स्किल का मतलब क्या होता है कि किसी काम के बारे में स्वरूप से अच्छा बढ़िया रूप से जानना, और हम लोग जान के एक साल का अप्रेंटिस किए, मशीनरी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी है हम लोगों के पास में, और कोल सेक्टर में हम लोगों ने अप्रेंटिस किया एक साल का, स्किल किया, उसके बाद बेरोजगार पड़े हुए हैं, आज यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि स्किल इंडिया के नाम से ठगना बंद करें, ये स्कीम किसी काम की नहीं, यदि हम युवा बेरोजगार हैं स्किल होते हुए भी तो फिर किस बात की स्किल इंडिया, ये कोई स्किल नहीं हुई, हमें रोज़गार चाहिए, एक साल का अनुभव प्राप्त किया मैंने कोल सेक्टर में, कोल सेक्टर के पास हम रोज़गार मांगने को जाते हैं तो कहती है कि हम आपको नहीं जानते, अरे कैसे नहीं जानते हो, एक साल तक मैंने अपना ऊर्जा आपको दिया है, एक साल तक अपना कीमती समय आपको दिया है, आपके हर मशीन के बारे में मैं जानता हूँ, आपका हर सेक्टर के बारे में जानता हूँ, और आप हमको पहचानने से अभी इनकार कर रहे हो, हम आपके पास नहीं जाए तो कहाँ जाएं? अदर कंपनियाँ जानती हैं कि हमारा आपका कोई काम नहीं है, आप कोयला पे एक्सपीरियंस लिए हो, इस स्टील प्लांट में आपका क्या काम है, आप क्या जानते हो मेरे मशीन के बारे में, हम लोग बड़े बड़े सॉवेल मशीन डोजर डंपर में काम किए हुए लड़के हैं, तो स्टील प्लांट क्यों बड़ी बड़ी सोवेल मशीन और डंपर रखेगी, वे तो अपनी जो मशीनरी चीज़ होती है उससे काम करवाती है, तो हम जिस मशीन के बारे में जानते हैं तो कोल सेक्टर में ही जाएंगे तो मेरा जो स्किल है वो वहाँ पे ही काम आएगा, नहीं तो अन्यथा कोई सेक्टर में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा अपील है कि ये हम लोगों को अस्थाई रोज़गार देने का
बात विचार करें, जितना जल्द हो सके हम लोगों का नियमितीकरण करें, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पे धरना देते रहेंगे जब तक कि ये बात मान ना ले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम बता दीजिए। छोटेलाल रजवार, मैं अप्रेंटिस संघ का एक सदस्य हूँ। ट्रेनिंग, एक साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमको तो यही लगता है कि हमें अब रोज़गार दे देना चाहिए, क्योंकि हमने एक साल तक ट्रेनिंग की और एक अच्छे ईमानदारी और एकदम ईमानदारी की तरह से मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, और हमारा हक बनता है कि हमें रोज़गार दें और हम ये ले कर रहेंगे। इतना हद तक हो सके हम इसे अपना धरना को कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना दिन हो हम इस धरना को ठीक करेंगे, अपना सफल बनाएंगे जब तक नहीं हमारी नौकरी दी जाए। क्या काम आपको वहाँ ट्रेनिंग किस चीज़ का दिया गया? एक्चुअली मैं फिल्टर से कंप्लीट किया, तो मैं फिल्टर से ड्रिल मशीन सावर इसमें देता है, डोजर के डंपर में ट्रांसमिशन में काम करवाया जाता था, तो उनमें से हम सब कुछ काम करते थे पूरे ईमानदारी और पूरी निष्ठा से। 8 से 8-8 घंटा 10 घंटा मैंने काम किया वहाँ पर, और मैंने अपना टाइम दिया वहाँ पर, और मैंने इसी तरह करके एक साल अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया। आपको डिग्री मिला, सर्टिफिकेट मिला जी? कहीं और दूसरी जगह अप्लाई किया तो कुछ हो? कहीं क्या? नहीं, इसका कहीं मान्यता नहीं दी। आप तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं बस यही कहा जाता है कि आप तो एक कोल इंडिया मतलब एक कोलियरी से आप ट्रेनिंग कम्प्लीट, तो हमारे यहाँ क्या काम है, हम आपको काहे क्यों रख सकते हैं? आप एक तो कोल माइंस माइंस में काम किए हुए हैं, तो आपको क्यों दें यहाँ पे? वो तो आपका कोलियरी में ही आपका काम आएगा, सावल मशीन में काम आएगा, ड्रिल उस चीज़ का काम मेरा यहाँ नहीं है। मेरा स्टील प्लांट है और सारे प्लांट है, और रेलवे वाला क्यों रखेगा? मैं रेलवे वाला क्यों रखेगा और NTPC क्यों रखेगा? उसका पावर प्लांट है, मैं तो खुद एक कोलियरी ट्रेनिंग कम्प्लीट किया हूँ, तो मैं कोलियरी जहाँ मेरा ट्रेनिंग कम्प्लीट है तो वहीं पर हम रोज़गार मांगेंगे ना, और ये हमारा हक बनता है कि हमें रोज़गार ले कर रहें। नाम बताइए। कुंदन कुमार, सिसिल अप्रेंटिस संघ के सदस्य हूँ। धरना का चौथा दिन, और आप लोग दो बैच का जो अप्रेंटिस संघ है आप लोग का है, दोनों साथ में धरना दे रहे हैं, क्या किस तरह से आप लोग सहयोग देंगे, क्या मांग करेंगे सर का? देखिए, हम लोग को सीसीएल में हम लोग 2 साल पहले ITI किए, उसके बाद 1 साल का सीसीएल हम लोग का फॉर्म निकाला, हम लोग उसमें अप्लाई किए और सीसीएल हम लोग को उसमें चयनित किया, और चयनित करने के बाद हम लोग को सिलेक्ट किया, जिन जिन छात्रों को सिलेक्ट किया जिनका सिलेक्ट किया उनका हो गया अप्रेंटिसशिप, हम लोग को 1 साल दिया गया सीसीएल के माध्यम से, और हम लोग को कोल्ड फील्ड में जाकर हम लोग उसको ट्रेनिंग को पूरा किए। अब हम लोग ट्रेनिंग जब पूरा किए तो ट्रेनिंग पूरा हो गया उसके बाद वो हम लोग को एक सर्टिफिकेट मात्र देकर ये हम लोग को छोड़ देना चाहती है, जबकि दूसरे अन्य कंपनियों में जैसे सेल हो, रेलवे हो, रेल हो आदि कंपनियों में अपने ट्रेनिंग को अपने स्टूडेंट को रख लेता है। हम उस कंपनी में जाते हैं तो हमको बोलती है कि भैया हमको कोयला नहीं निकालना है, आप जिस कंपनी से ट्रेनिंग किए हैं उसी कंपनी में आप जाइए, उनको नौकरी मांगिए, तो हम आखिर इस तरह से जाएँ कहाँ? इससे पहले आपका इसी कंपनी ने 2-3 दिन मर के रेगुलाइज किया, जैसे आपका 87 से लेके जो भी ट्रेनिंग किया उसको रख लिया गया, से 92 तक इन लोग को रेगुलाइज किया गया, और अब हम लोग मांग रहे हैं तो बोलता है कि अब ये संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो संशोधन मंत्रालय से किया गया, उसको फिर भी हम उसको नेता मीडिया दूसरी बात है कि मंत्रालय के जरिए संशोधन किया जा सकता है, जैसे अभी लोग हम लोग बोलते हैं स्किल इंडिया, बोलते हैं कि स्किल इंडिया के तहत पर हम लोग को आप लोग को रखेंगे। ठीक है, स्किल इंडिया का तहत रखा गया, उसमें बोलता है कि कोई प्रावधान नहीं है, इससे पहले ठीक है प्रावधान नहीं है 2014 में बात आई थी, फिर भी हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जितने भी हिंदुस्तान CIL के अंदर में कोल फील्ड में आप अप्रेंटिस कर रहे हैं उन सभी भाइयों से और सारे CIL के अफसरों से या कोयला मंत्रालय से उस संशोधन को फिर से भी किया जाए और हम लोग को फोन मैंने नियमित रूप से हम लोग को अस्थायी रूप से रखा जाए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम टिकेंद्र कुमार महतो है, हमारे गड्ढा एरिया से। ठीक। सर, मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और विभिन्न तरह के हमसे काम लिया गया है। मैंने तो पहले मेरा पोस्टिंग 4 महीना के लिए सब स्टेशन में हुआ, तो सब स्टेशन में हमने ट्रांसफॉर्मर का रिपेयरिंग किया है, उसका मेंटेनेंस भी किया है,
और घास भी छीलने का काम किया है। जो वहाँ स्वीपर लोग या फिर जो चपरासी होता है उनका काम होता है घास छीलना, लेकिन ये अप्रेंटिस के नाम पे तो हम लोग को ठग रहे हैं कि चपरासी के जगह जो ITI अप्रेंटिस आए हैं उनको ही काम करवाया जाए और मेरा जो पैसा है वो हम बचा है ऊपर वाले को दे खिलाएं। मेरा जो सीट है वो पता नहीं चले कि मेरा खाली सीट है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको बंद करें और जो हम लोग का हक है उसको दें। अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का क्या मांग है? नाम मेरा गणेश महतो हुआ, मैं इस अप्रेंटिस संघ का महामंत्री।